इंदौर शहर अनलॉक होते ही अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, जिससे इंदौर शहर में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इंदौर की खजराना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की योजना बनाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। दरअसल इंदौर के खजराना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 134 बैंक ऑफ इंडिया बैंक के पीछे गार्डन में कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो कि पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी दिनेश वर्मा द्वारा तत्काल एक टीम को गठित कर आरोपियों को घेराबंदी कर 7 आरोपियों को पकड़ा गया। वहीं पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से मिर्ची पाउडर, चाकू, हथौड़ी, वायर कटर और साथ ही में लोहे की रॉड व लोहे का पाइप पुलिस ने मौके से जब्त किया है। वहीं पकड़े गए 7 आरोपियों में से 3 आरोपी आदतन अपराधी हैं। पकड़े गए आरोपी दीपक चौधरी, दीपक विनोद अंसारे, राजेंद्र अंसारे, संतोष पाटिल, राजेंद्र पक्ते साथ ही में ऋषि भदौरिया सभी की उम्र 20 वर्ष के लगभग है। वहीं पकड़े गए आरोपियों को कोर्ट में पेश कर खजराना पुलिस ने रिमांड लिया है, जिससे पूछताछ में और भी कई लूट डकैती जैसी घटनाओं का खुलासा होने की पुलिस को उम्मीद है। ये हमारी थाना खजराना की टीम ने एक बड़ी घटना को टाला है। मुखबिर की सूचना पर बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टार चौराहे से आगे है, बैंक ऑफ इंडिया के पीछे गार्डन में 7 युवकों को पकड़ा है, जो कि डकैती की योजना बना रहे थे। उनके पास से जो है चाकू, मिर्ची पाउडर और लोहे की राड और ऐसे डकैती जानने के लिए जो सारे शस्त्र जो मिले हैं, और ये शहीद पेट्रोल पम्प वहाँ से पास में ही है, और उसको लूटने की इनकी डकैती डालने की योजना थी। और 7 युवकों को पकड़ा है, अभी उनका भी हम लोग न्यायालय पेश करके पुलिस रिमांड मांग रहे हैं उनसे और भी आगे पूछताछ के लिए। सर, कहाँ पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे? ये शहीद पेट्रोल पंप है जो बाईपास के पास में है, वहाँ की उनकी योजना थी। सर, बदमाशों का कोई आरोप नहीं है? हाँ, कुछ रिकॉर्ड भी है, 1-2 लोग के रिकॉर्ड हैं, सब युवा हैं और 18 से 25 साल के बीच के युवा हैं सारे, और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और ये डकैती डालने के लिए ही पूरी तैयारी से थे और पुलिस ने इनकी योजना को नाकाम कर दिया। सर, कुछ हथियार उनके पास से बरामद हुए? हाँ, चाकू भी मिले इनके पास से, लोहे की रॉड और जो भी मिर्ची का पाउडर, टॉर्च, इस तरह की जो चीज़ें हैं डकैती उसमें सब पकड़ा इनको। सर, क्या प्रोफाइल है? 2-3 लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है, और ये कुछ वारदातें उज्जैन की भी बता रहे हैं, उज्जैन क्षेत्र की भी, उस संबंध में पूछताछ के लिए अभी हम लोग पुलिस रिमांड मांग रहे हैं उनका। सर, पढ़े लिखे हैं क्या? पहले नौकरी करते थे कि आपराधिक रिकॉर्ड के ही? नहीं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और लो प्रोफाइल के हैं, और ये अपराध में अभी नए नहीं उतरे हैं। लॉकडाउन के कारण आर्थिक परेशानी के चलते इस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? ये तो नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति जो होती है वो किसी चीज़ का इंतजार नहीं करती, लेकिन फिर भी युवा है और हिंसक प्रवृत्ति के हैं, इसलिए इन पर जो कार्रवाई की गई वो उचित रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।